गुरु जी, क्या भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग कुछ कम ज्यादा है या समान है? हमें भक्ति से ज्ञान होता है या ज्ञान से भक्ति मिलती है? ये एक ही कुर्सी की दो चार पहिए जो होते हैं वो सब समान ही होते हैं। किसी एक पहिए को खींचो सभा की सब अपने आप आ जाते। मान लो तुम्हें रसमलाई क्या पता है तभी ना पसंद करोगे। अच्छा, आपको पसंद है तभी ना उसके बारे में जानकारी करोगे। जिसकी रुचि होती है उसको जानने की इच्छा होती है ना। तो रुचि भक्ति है, उसको जानकारी करना ज्ञान है। ये दोनों साथ साथ है। इन दोनों के बीच में ऐसी कोई दीवार नहीं है, विभाजन नहीं है जैसे सोचते हैं। बहुत बड़ा विभाजन नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान में कोई गति नहीं होगी। जिसमें रुचि नहीं उसके बारे में जानने की कहां आसक्ति होगी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में माने खगोल विज्ञान के बारे में तुम तुझमें रुचि हो तो तुम उसको पढ़ोगे, जानोगे, उस दिशा में चलोगे। गणित शास्त्र पर यदि रुचि होता हो तो गणित पढ़ते हो, ज्ञान होता है। रुचि ही नहीं है तो पढ़ोगे कहाँ? और जब जानते नहीं हो तब रुचि कैसे होगी? जिस चीज के बारे में जानते नहीं उसको पसंद कैसे करेंगे? कोई कहे एरप्पा पसंद है तुमको, एरप्पा क्या जानते ही नहीं, कैसे पसंद करो? तो एरप्पा वो साउथ अफ्रीकन कोई हो वहां बैठे रहो एरप्पा, उनके जीभ में पानी आने लग जाएगा। देखिए उसको पता एरप्पा माने क्या, मिठाई का मालपुड़ी जैसे बनाते हैं उसको एरप्पा कहते हैं। मालपुड़ी का बनाते हैं ना महाराष्ट्र में, बिल्कुल वैसा होता है मालपुड़ी जैसा वो, उसका नाम एरप्पा है वहां। वो बनता है मकाई से। तो हम वो तो जानते ही नहीं क्या हम एरप्पा। एक बार हम प्लेन में जा रहे थे तो एक बीच में ट्रांजिट स्टेशन था वहां साउथ अमेरिका में। तो वहां डेढ़ घंटे थे तो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में चलने में, वो डेढ़ घंटे जब हम वहां थे एयरपोर्ट में, हमारे साथ में लोग थे और एक सज्जन वहां, तो काउंटर में कुछ टिकट विकेट लेना है, कुछ भरना पड़ता है टैक्स, एयरपोर्ट टैक्स। एयरपोर्ट टैक्स में लंबी क्यू थी। वो भी खड़े होके वहां गए, वो हाथ में एरप्पा लेके खा रहे। वो खा रहे थे तो वहां टिकट लिया, टिकट के काउंटर में पहुंचे, वो काउंटर वाले पूछे उन्होंने कि एरप्पा कहाँ से मिला। वो बोले यही से, इसी एयरपोर्ट में तो लिया था मैंने, खरीदा था। तो वही वो टिकट काउंटर सब टिकट तो उनको दे दिया, पैसा भी नहीं लिया, काउंटर छोड़ के भाग गए एरप्पा खाने के लिए। अब अरे देवता उसी जगह पर उसी जगह काम कर रही है, वही बगल में स्टॉल है, वही ये चीज मिलती है, उसको पता ही नहीं। तो लोग क्यू में खड़े हैं, ये लंबी क्यू है। और हमारे साथ में जो हम टिकट ले, उन्होंने अभी क्या करे, उसने तो पैसा भी नहीं लिया, टिकट तो दिया हमको पांच छह लोगों का। अब मन नहीं कर रहा था कि बिना पैसे दिए हम चले कैसे प्लेन में, वो तो आए ही नहीं। हमने कहा वहां पैसे रखे आ जाना अंदर काउंटर के अंदर, बाकी लोग तो खड़े हैं, हम लोगों के प्लेन का टाइम हो गया, वो एरप्पा खाने में लग गए।
तो ज्ञान जब नहीं होता उस पर रुचि नहीं आएगी, और रुचि नहीं होता तो ज्ञान नहीं होगा। तो युगपद चलता है दोनों, थोड़ा रुचि होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान हुआ ज्यादा रुचि हुआ। इसलिए संसार का ज्ञान होने पर भी भक्ति हो जाती है, परमात्मा में भक्ति। ये कॉस्मोलॉजी कहते हैं, खगोल शास्त्र पढ़ो, कितने अनंत ब्रह्मांड है, इसका और चूर नहीं है, कितने तारे सितारे, कितने अखंड भूमंडल, अखंड भूमंडल, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिलांड कोटि, कोटि कोटि ब्रह्मांड का ये जो विस्तार है, इसके स्वामी भगवान परमात्मा है, आत्मा है परमात्मा। तो ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसका ज्ञान होने से ऐसी भक्ति उदय हो जाता है जीवन में। तो ज्ञान से भक्ति उदय होता है, और भक्ति से फिर ज्ञान में रुचि लगने लगती। तो मैं तो नहीं मानता हूं ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है।